सो हे गाइस, हाउ यू हो, क्या बच्चे होंगे। और अभी करंट टाइम में आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन का काउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आप लोगों में से हैं जो आईआईटी में सेलेक्ट हुए हैं, जो लोग आईआईटी में अच्छे रैंक लाए हैं और जो एनआईटी में अच्छे रैंक लेकर आए हैं, कि जिनको आईआईटी नहीं मिल पाया वो एनआईटी में जाएंगे। तो ऐसे में सवाल आता है कि क्या सारे स्टूडेंट आईआईटी एनआईटी में तो जा नहीं सकते हैं भाई? सारे लोग तो आईआईटीएन हो नहीं सकते, सारे लोग एनआईटीएन तो हो नहीं सकते। तो ऐसे में सवाल आता है कि आईआईटी और एनआईटी के बाद क्या क्या और कोई रास्ता नहीं है? सिर्फ आईआईटी और एनआईटी ही रास्ता है? आईआईटी में एडमिशन हुआ तो ठीक है, एनआईटी में एडमिशन हुआ तो ठीक है, उसके अलावा कोई अच्छा विकल्प नहीं है? तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि उसके अलावा भी विकल्प है, ठीक है, बढ़िया विकल्प है। और पहली बार चैनल पे आए हैं नए तो सब्सक्राइब करिए, ये आपका ही चैनल है, बेल आइकन को जरूर हिट करिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। गाइस, अगर हम बात कर लें आईआईटी और एनआईटी की बात कर लें, तो देखो इसमें हमेशा क्रीम स्टूडेंट जो होते हैं, क्रीम स्टूडेंट मतलब जो काफ़ी मेहनत किए हैं, अच्छे रैंक लेकर के आए हैं, वो आईआईटी या एनआईटी में जाते हैं। उसके अलावा जो ऐसा नहीं कि जो आईआईटी और एनआईटी में जाता वो क्रीम स्टूडेंट नहीं होता, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ। वो ज़माना ख़त्म हो गया जब आईआईटी एनआईटीएन को ही सबसे ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी, अदर जगहों से जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनको वैल्यू नहीं दी जाती। ट्राई आप ये करो कि आईआईटी एनआईटी में नहीं होता तो अपने स्टेट लेवल के अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश करो। अपने स्टेट लेवल में भी आप देखो कि टॉप 10 के कॉलेजेस कौन हैं, जहाँ से प्लेसमेंट अच्छा होता हो, जहाँ फैकल्टी अच्छी हो, जहाँ लैब अच्छी हो। स्टूडेंट में ना एक बहुत बड़ी कमी मैंने देखी है, चाहे वो आईआईटी हो एनआईटी हो, बिल्डिंग का कलर देख करके वो आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन लेने जाते हैं, जो कि सही नहीं है। बिल्डिंग का कलर देख करके आप आईआईटी और एनआईटी में एडमिशन नहीं ले सकते हो। आपको मतलब ये देखना पड़ेगा कि भाई आप वहाँ कहाँ स्टैंड करते हो, पढ़ाई सही हो रही, डिग्री तो वही मिलेगी आपको आईआईटी एनआईटी की या किसी यूनिवर्सिटी की, लेकिन बहुत सारे लोग हैं बिल्डिंग का कलर देखे भाई इस कॉलेज की बिल्डिंग बड़ी अच्छी है, यहाँ पे कैंपस बड़ा अच्छा है, लेकिन कैंपस प्लेसमेंट जीरो है। तो ऐसी जगह एडमिशन से क्या फ़ायदा, जहाँ भाई कैंपस प्लेसमेंट जीरो है, जहाँ पे चीज़ें फैसिलिटी आपके लिए अवेलेबल ना हो, वहाँ पे जाना आपके लिए आई थिंक सबसे बड़ी मिस्टेक है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अच्छे से आपको समझना चाहिए कि अगर आईआईटी एनआईटी नहीं हुआ तो अपने स्टेट लेवल के कॉलेज के अलावा और भी आपके पास ऑप्शन है कि भाई जो अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ है, ऐसा नहीं कि सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ बेकार हैं, बहुत अच्छी अच्छी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। बहुत सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं जो आईआईटीजेई का स्कोर है उस पे 100% स्कॉलरशिप भी देने के लिए तैयार हैं, 50% स्कॉलरशिप देने के लिए तैयार हैं, तो जो भी आपकी रैंक हो उसके बेस पे कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। लेकिन उस यूनिवर्सिटी को भी चूज करते हुए आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब एक गलती और आपका पूरा लाइफ ख़त्म, क्योंकि भाई आपको आगे उसी लाइन में जाना है, आगे उसी सेक्टर में आप जाना चाहते हो, वही इंजीनियरिंग करके उसी फील्ड में आगे जाना चाहते हो, वहाँ पे चैलेंजेस काफ़ी आएंगे आपके लिए। तो उस चैलेंजेस को फेस करना, चैलेंजेस को समझना, चैलेंजेस को जानना शायद आपके लिए मुश्किल होने लगेगा। तो आप चैलेंजेस को समझिए, जानिए, फिर उस पर काम करिए, तभी जा करके आपका करियर आगे बढ़ पाएगा, अदरवाइज आपका करियर आगे नहीं बढ़ पाएगा, चीज़ें आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होंगी। और देखो एक चीज़ और कह देता हूँ, आईआईटी एनआईटी में एडमिशन नहीं हो तो होपलेस मत हो। मैंने बहुत सारे नॉन आईआईटीएन और नॉन एनआईटीएन को देखा कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में कैंपस प्लेसमेंट न होके ऑफ कैंपस जॉब लेते हुए, ऐसे ऐसे 4-4 करोड़ 5-5 करोड़ों की पैकेज पे भी जॉब मिल रही है। तो अभी करंट टाइम में डिग्री ड्रिवन ना होकर के आपको नॉलेज ड्रिवन और स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। नॉलेज आपके अंदर है, स्किल आपके अंदर है, तो ऑब्वियसली आप आईआईटी और एनआईटी में जा सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता है, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। अगर नॉलेज नहीं है, अगर चीज़ें उस लेवल पर नहीं है, तो फिर मुश्किल होगा आपके लिए। गाइज, मेरा काम था आपको सजेस्ट करना कि भाई आईआईटी एनआईटी के अलावा भी रास्ते हैं, आईआईटी एनआईटी के अलावा भी आप अच्छा कर सकते हो इंजीनियरिंग में। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपके माइंडसेट में क्या चल रहा है। अगर आपको करियर काउंसलिंग चाहिए, अभी भी कन्फ्यूजन है, करियर से रिलेटेड कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम हो, तो वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, एक बार जा करके ज़रूर देखिए, और कोई क्वेरी हो तो डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।